नमस्कार, मैं देवांशी, दिव्य भारत न्यूज से। आइए देखते हैं आज की खबर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से न्यायपालिका और अधिवक्ताओं को लेकर दिए गए बयानों के विरोध में गुरुवार को उदयपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और गहलोत के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की। उदयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के राकेश मोगरा ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बिना किसी ठोस आधार पर न्यायपालिका और अधिवक्ताओं पर जो बयान दिया वह गलत है। इससे न्यायपालिका पर जो प्रहार करने की कोशिश की है उससे अधिवक्ता समुदाय में आक्रोश व्याप्त है। वहीं उत्तर प्रदेश में महिला अधिवक्ता पर पुलिस द्वारा झूठी FIR दर्ज की गई और जब अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया तो पुलिस ने बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज किया, जो कि गलत है। आज हम सभी अधिवक्तागण जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने न्यायपालिका पे जो प्रहार किया है और न्यायपालिका को जो नीचे दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि न्यायपालिका पूरे जो संविधान का एक मुख्य स्तंभ होता है जिसमें आम जन का पूरा विश्वास होता है, उसके खिलाफ बिना किसी ठोस आधार पे जो वक्तव्य दिया गया उस बयान की हम पूरे बार एसोसिएशन घोर निंदा करता है और सभी अधिवक्ताओं में, राजस्थान के अधिवक्ताओं में रोष है कि जिस तरह से न्याय के मंदिर में हम बैठे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं और वहाँ पे इस तरह के आरोप जिन्होंने आरोप लगा रहे हैं बिना किसी आधार के, और जो हापुड़ में जो अधिवक्ता के साथ में जो लाठीचार्ज हुई है उसके विरोध में भी हम यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं। और ये दोनों ही बिंदुओं पे महामहिम जो CGR साहब है हमारे और एक महामहिम राज्यपाल के नाम हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं इनके खिलाफ।